हेलो भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। आज करने वाले हैं वाइब्रेशन टेस्ट। टेस्ट करने वाले हैं ये न्यू रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, जो कि न्यू जनरेशन लॉन्च हो चुकी है और इसको गाड़ी के लिए हुआ है 1 महीना और ये अपने वाली है, जिसका भी चैनल के ऊपर वीडियो आने वाला है, फिर आ गया होगा, आप देख सकते हो, क्योंकि दोनों का ही कंपेरिजन वीडियो मैं शूट कर चुका हूं, तो वो भी चैनल के ऊपर ही आएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो फिलहाल चलो देखो इस वाले के ऊपर सेपरेटली इस वाले का वाइब्रेशन टेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि देखो क्योंकि कंपनी क्लेम करे कि काफी ज्यादा सुधार किया गया वाइब्रेशन के अंदर और भी बहुत सारा चेंजेस हुआ, जो कि डिटेल वीडियो आएगी चैनल के ऊपर, आप उसके ऊपर आके देख सकते हो। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो, इसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ जैसे स्विचेस ये सब चीज़ का, तो फिलहाल तो आज हम लोग जैसा कर रहे हैं कि वाइब्रेशन टेस्ट देख लो। इसके अंदर ये है डिस्पोजल, लो ये फाइबर वाला, ये क्या बोलते हैं ग्लास, इसके अंदर पानी भर दिया हूँ और इसके अंदर भी देख लो एकदम स्टेबल है अभी फिलहाल। तो अभी स्टार्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कितना वाइब्रेशन बढ़ता है या फिर क्या होता है। देखो इसके अंदर ये वाला भी इग्निशन का स्विच, देखो यहाँ पे यहीं पर दे दिया लॉक, अनलॉक का सब सारा स्विच यहीं पर दे दिया, ये बहुत ही अच्छा किया है रॉयल एनफील्ड ने। देखो फिलहाल ऑन करते हैं और यहाँ से इसका इग्निशन ऑन, एक सनसनाहट की आवाज़ क्योंकि इसमें देखो टाइमिंग भी देख सकते हो आप। तो चलो अब इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ कितना वाइब्रेशन आता है। देखो इसका स्टार्ट करने का स्विच भी यहाँ पे, देखो बिल्कुल भी, देखो जैसे स्टार्ट होते हैं जैसे वो गाड़ी है ना अपनी वाली, वो हिलती है, बट ये वाली हिलने का जैसा इसमें कुछ भी दिखता नहीं। और भी देखो एकदम नाम मात्र का वाइब्रेशन, मतलब बहुत ही कम वाइब्रेशन इसके अंदर और इस वाली ग्लास के अंदर भी देख सकते हो आप। वाइब्रेशन है बट बहुत ही कम, बट जितना उसके अंदर आप कंपेरिजन वीडियो में देख सकते हो, अगर आ गया हो तो देख सकते हो, नहीं तो अभी जल्दी ही आने वाला है, वो भी 1-2 दिन के अंदर, देख लेना चैनल के ऊपर, बट देख सकते हो इसके अंदर कितना वाइब्रेशन है। अगर मैं अभी थ्रॉटल करूंगा तो फिर भी देख सकते हो कितना उसके अंदर ज़्यादा है, बट इसके अंदर उसके टेम्परेचर में कम है। देखो आवाज़ भी चेंज है, बट देखो वाइब्रेशन दे रहा हूँ, बट जितना मतलब उस वाले के अंदर है उससे बिल्कुल कम है। और यहाँ पे वाइब्रेशन तो भाई थोड़ा सा तो बढ़ ही रहा है, जब गाड़ी आप वाइब्रेट कर, जब एक्सेलरेट करोगे तो वाइब्रेशन तो बढ़ेगा ही, आप क्लियरली देख सकते हो। तो फिर देख लो यही है वाइब्रेशन रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 न्यू जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अभी एकदम गाड़ी नई ही है, वो भी 2021 वाली मॉडल है, 2021 3 मार्च ली गई है, ये भी अभी 1 महीना हुआ ली है 2021, आज डेट है 21 बारह 2021, तो देख सकते हो यही वाइब्रेशन है नई वाली के अंदर, काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया है। और देख सकते हो इसके अंदर पानी था तो वो भी बिल्कुल भी बहुत ही माइनर हिल रहा है, बट अभी उसके अंदर करूँगा ना तो उसके अंदर ज़्यादा ही हिल रहा था। चलो अगर आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।